अगर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ की बात की जाए तो खेलकूद अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा महत्वता ज़रूर रखता है। एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात की जाए, तो जहाँ दयाल सिंह पब्लिक स्कूल ने काफ़ी समय से काफ़ी नाम बनाया, और अगर इंटर हाउस जो है क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की बात की जाए, जहाँ 18 सालों से जो है ये चलता आ रहा है, वही आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं करनाल के सेक्टर 7 में स्थित दयाल सिंह स्कूल में, जहाँ पर आज इंटर हाउस क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है वो यहाँ पर चल रही है। अलग अलग एज ग्रुप्स के, अलग अलग क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट रेसेस में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? फिजिकल ग्रोथ की बात की जाए तो इस तरीके के स्पोर्ट्स के इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है बच्चों के फिजिकल ग्रोथ के लिए, तो इस बारे में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? आज हमारे स्कूल का क्रॉस कंट्री है और पूरा साल बच्चे और टीचर्स हम लोग सब लुक फॉरवर्ड करते हैं अपनी क्रॉस कंट्री के लिए। आज बच्चे सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थे फॉर द क्रॉस कंट्री। ये एक तरीका है हमारा ये इनिशिएट करने का कि बॉडी को फिजिकली हमें स्ट्रेन देना ही देना है। जब तक स्वेट नहीं आएगा, आजकल सब एसी में रहते हैं तो बॉडी में बीमारी ज़्यादा हो गई है। पहले स्कूल स्टूडेंट्स में इतनी डिजीजेज नहीं होती थी, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आईसाइट की प्रॉब्लम, ये सब किस लिए? क्योंकि उनकी बॉडी रेगुलेट नहीं करती जो वो खाते हैं। सो इसके लिए हमने 18th हमारा आज क्रॉस कंट्री है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे स्कूल के ट्रस्टीज़ की ये एम रही है कि बच्चों को जितना हो सके स्पोर्ट्स कराएं, तो हम एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और अभी तो हमारा स्कूल साइक्लोथॉन जो होगा फॉर ग्रीन इंडिया, उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। और फिट इंडिया जो गवर्नमेंट का चलाया हुआ कैंपेन है, उसको हम आज नहीं शुरू से फॉलो कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल के बच्चे जिस तरह की डाइट खा रहे हैं उसको रेगुलेट करें, नहीं तो उनकी हेल्थ उनका ज़्यादा साथ नहीं देगी। तो जैसा कि मैम ने भी कहा कि फिज़िकल वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर हम खान पान की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बाहर का फूड हो, जंक फूड हो, अनहेल्दी फूड हो, वो भी बच्चे जो हैं उसका इंटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं फिज़िकल वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें जो है उनकी एक्सरसाइज हो और उसमें वो डाइजेस्ट कर सकें। और साथ ही साथ अगर ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल में ऑर्गेनाइज़ की जाती है तो वो अपने आप में ही बच्चों का जो मोटिवेशन है उसे ज़रूर बढ़ाता है कि बच्चे ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट ले। और वही दयाल सिंह स्कूल का 18th क्रॉस कंट्री जो कंपटीशन है उसकी हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स के टीचर भी मौजूद है, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे कितने एक्साइटेड हैं आज के सीजन? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिंस 2003 वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस क्रॉस कंट्री, एनुअल क्रॉस कंट्री कॉम्पिटिशन, एंड दिस ईयर वी हैव 18th कंटिन्यूज क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, एंड लाइक MHRD जस्ट लॉन्च फिट इंडिया मूवमेंट आल्सो, एंड इस महीने में भी इस चीज़ को हम लोग कैरी कर रहे हैं, और आप देखेंगे बैनर वगैरह फिट इंडिया का। और अभी हमने लास्ट वीक ही हम लोगों ने एनुअल एथलेटिक मीट को सेलिब्रेट किया, एंड दिस टाइम वी अगेन ऑर्गेनाइज एनुअल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप, सो दैट इंडियन जो आवर स्कूल स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन मूवमेंट दोज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर, आप बाकी बच्चों को और जो यंगस्टर्स हैं उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक मोबाइल गैजेट्स में लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते हैं और फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज? मैम, मैं खुद नहीं बोलूँगा, आप WHO का सर्वे भी उठाएंगे तो जो इंडियन पॉपुलेशन है अराउंड 30-40% पॉपुलेशन, जो WHO सेज कि इन 2020 मतलब आवर इंडियन 40% पॉपुलेशन में भी डायबिटिक और में भी ओबेस। आप अगर हेल्थफुल एक्टिविटीज़ नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे, यू कैन लुक कि आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, तो यू कैन चेंज, एंड दयाल सिंह स्कूल ऑलवेज ट्राई टू चेंज एंड डेवलप फिटनेस हैबिट्स इन द चिल्ड्रन। जैसा कि सर ने भी कहा कि दयाल सिंह स्कूल का हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो बच्चों के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ऐसी एक मोटिवेशन बढ़ाएं कि वो लोग भी इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें पार्ट लें। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं फिट इंडिया स्कूल वीक, जो कि आज यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है, फिट इंडिया, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी एक कैंपेन चलाया गया उसी के तहत, जहाँ देश भर में लोग इसे फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। वही दयाल सिंह स्कूल की हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूँगी
चाहूंगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मैसेज, जैसा कि हमें टीचर्स ने भी दिया कि इस तरीके से अगर आप लोग फिजिकल वर्कआउट करते हैं महज कुछ मिनट अपने रोजाना जो रोज की जिंदगी है उसमें निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके फायदे आपको भी रहने वाले हैं। काफी ऐसी प्रॉब्लम्स है, काफी ऐसी बीमारियां हैं जो एक शायद आधे घंटे की सैर से दूर हो सकती है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए, इस तरीके की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो जरूर करिए। और आज की अगर हम बात करें दयाल सिंह स्कूल की, हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है आज के इस क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अपना अपना योगदान जो है वो इसमें दिया। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कुछ आगे की भी हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। वेरी एंथुसियास्टिक ग्रुप, हियर इट गोज। दिस इज द सीनियर ग्रुप गर्ल्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो जैसे कि हमने आपको दयाल सिंह स्कूल की लाइव तस्वीरें दिखाई, हमारे साथ यहाँ पर एकेडमिक एडवाइजर नीना रॉय मैम मौजूद है, एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आज के इस पूरे चैंपियनशिप के बारे में? देखिए, ये 18th क्रॉस कंट्री है हमारा। दयाल सिंह सेक्टर 7 ने बहुत शौक से ये शुरुआत किया था, इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब जिम्मेदार हैं कि उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और हमें भी, और हमारे साथ जो साथी हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के वो हमारा साथ पूरा देते हैं। बच्चों के लिए यही कहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। CBSE के द्वारा ये मुहिम निकला हुआ फिट इंडिया वीक है, बहुत अच्छा है और हम अप्रिशिएट करते हैं और ऐसा होता रहे। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स के भी सर मौजूद है, एक बार हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे महत्वता की, अगर हम बात करें फिजिकल वर्कआउट की कितनी इम्पोर्टेंस रोजमर्रा की जिंदगी में है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये हमारा 18th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें हमारा 5th ऑनवर्ड सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनको हमने 4 हाउसेज में डिवाइड किया हुआ है, अरावली हाउस, हिमालय हाउस, नीलगिरी हाउस और शिवालिक हाउस। और जितना ही बच्चे स्पोर्ट पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देंगे तो उनकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। जैसे कि आपने देखा है कि कंटिन्यू नए जो बच्चों में आ रही है तो उनसे सेव बचने के लिए उनको बच्चों को और ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। उसके लिए हमने थोड़े दिन पहले एक एनुअल एथलेटिक मीट कराया था जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों ने सभी ने पार्टिसिपेट किया है। और जो हमारा क्रॉस कंट्री इवेंट है स्कूल के आउटर में है तो इसको हमने 5th ऑनवर्ड लिया है। 5th ऑनवर्ड से सभी बच्चे अलग अलग हाउसों में डिवाइड होकर सभी पूरा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दौड़ना शरीर के लिए भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और दौड़ेंगे तो एनर्जी भी आएगी। इस समय हम खड़े हैं दयाल सिंह सेक्टर 7 स्कूल में और यहाँ पर आज इंटर स्टेट क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बच्चों ने हिस्सा लिया। और हमारे साथ इस समय जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं DK रैना साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दौड़ कितनी ज़रूरी है सेहत के लिए, शरीर के लिए क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरह के जब आयोजन होते हैं? बिल्कुल जी, मोटिवेट होते हैं बच्चे और बच्चों का स्टैमिना बढ़ता है और इससे पढ़ाई में भी इनका असर पड़ता है। आज जो है ये 18th एडिशन क्रॉस कंट्री की है और क्लास 5 से क्लास 12 तक बच्चे दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि तमाम बच्चों ने हिस्सा लिया और मोटिवेशन मिलता है इन बच्चों को जब इस तरह की रेस का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ BR गुलाटी साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए कि इस तरह के आयोजन होते रहते हैं स्कूलों के अंदर और यहीं से जो बच्चे हैं वो एशियन गेम्स के लिए निकलते हैं, ओलंपिक के लिए निकलते हैं और एक बूस्टअप आता है पढ़ाई के अंदर भी, खेल के अंदर भी। As far as this activity is concerned, I must say that it's sports, it's very important for a student and it has many qualities also. Sense of togetherness, sense of leadership, sense of discipline and stamina, and then physical strength, planning, patriotism,
एंड पर्सनैलिटी, दीज आर दी एक्टिविटीज विच ए स्पोर्ट्समैन कैन शो. एंड मोर ओवर वेन द स्टूडेंट्स आर वेरी बिजी इन देयर एकेडमिक स्टडीज दे गेट स्ट्रेस एंड इफ यू गो इन अ फील्ड योर स्ट्रेस इज ओवर एंड दैट इज अ रिलैक्सेशन फॉर देम. इवन द डॉक्टर्स से that the student must take part in sports, and they say a sound body in a sound mind. This is what the doctors say. Moreover, this sports person, they have very good personality. Look at them, look at the cricketers, look at Tendulkar, look at Kohli, see their personalities, wonderful. And this school is doing, I think this is the only school in Karnal which they arrange for this cross country race, you know, no other school. And these lines, I must say about these lines, what do you mean by line? Some lines can make us in, some lines can make us out, some lines we wait for, some lines make us wait, some lines we can erase, some lines we can't. Lines are with us till the end, but the only lines that matter are the lines which we make. They are making the lines. तो आप देख सकते हैं कि एक मोटिवेशन आता है, अनुशासन जो है वो बच्चों में आता है और जिंदगी का एक हिस्सा होता है खेल. इनके भंडारी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं. क्या कहना चाहेंगे, कितनी जरूरत है आज के बच्चों के अंदर खेल को लेकर जागरूक करने की, स्पोर्ट्स को लेकर जागरूक करने की? As a soldier, I'll say sports play a very important role in development of an individual, both physically and mentally. Now, they also inculcate in you a spirit of competitiveness. And besides this, they give you an excellent entertainment. And the school level participation sports, in a way, if you see, this is a nursery for from where do the Olympians come? It's only at the grassroots level. So I'll say that the schools are the grassroots level. From here, the sports person come up at the district level, at the state level, national level, and even they go beyond. Now, in the modern times, the sports play a very dominant role, because if you see the overall development of personality, the sports have a very important role to play. And I think the school is doing a yeoman service. They are the real pioneers in Karnal, not only Karnal city, in Karnal district and even in state, wherein a lot of stress is devoted towards sports. And also this removes the monotony and boredom of only getting involved in the academics. So therefore I think it's very, very important for healthy development. आज के बच्चों का कई बार देखने को मिलता है कि पबजी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन बाहर के जो स्पोर्ट्स रहते हैं खेल के मैदान के, उनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है. आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिल सके कि वो स्कूल में किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं. करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग.